पाकिस्तान ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि वो आतंकवाद का पनाहगार है और आतंकियों का अड्डा भी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने 2008 के मुंबई हमले के एक आरोपी सुफियान जफर को जांच में बेगुनाह बताया है। FIA के मुताबिक जफर के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। आतंकियों का पनाहगार है पाकिस्तान। पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से पाकिस्तान का दोहरा चरित्र बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान की झूठी बातें एक बार फिर से दुनिया के सामने है। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो आतंक का पनाहगार। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने 2008 के मुंबई हमले के एक आरोपी सुफियान जफर को जांच में बेगुनाह बताया है। पिछले महीने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा से गिरफ्तार सुफियान वही आतंकी है जिस पर मुंबई हमले के लिए 14,800 रुपए की राशि मुहैया कराने और हमले से पहले सह आरोपी शाहिद जमील रियाज को 39.8 लाख रुपए देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि जफर लाहौर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर पंजाब के गुजरावाला जिले का रहने वाला है। सुफियान जफर मुंबई हमले में वांछित 21 अन्य संदिग्धों में शामिल है। 6 अन्य संदिग्ध अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हम्माद आमिन सादिक, शाहिद जमील रियाज और यूनुस अंजुम 2009 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए हमले में कम से कम 166 लोग मारे गए थे। इस घटना को लश्कर के 10 आतंकियों ने अंजाम दिया था जिसमें केवल एक ही आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था जिसे बाद में फांसी दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।